हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। आज हम लेक्चर लेंगे एलजेब्रा का, और एलजेब्रा हमारा 7 चैप्टर का 7.3 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, और इसमें हमने 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। देन 14 क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन 4 डिग्री की इक्वेशन आपके पास गिवन है, हैज़ टू रूट्स व्हिच सम इज 8, यानी इसके दो रूट्स का सम आपको 8 गिवन है। देन फाइंड ऑल रूट्स, इसके सभी रूट्स फाइंड आउट कीजिए। देन जो इक्वेशन हमें गिवन है, गिवन इक्वेशन इज x रेज टू पावर 4, 16x³ + 86x² - 176x + 105 = 0। नाउ लेट अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा बी रूट्स ऑफ, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, एंड हमें गिवन है कि इसके दो रूट्स का सम 8 है। ओके, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8, ये कंडीशन हमें गिवन है। सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कीजिए। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -16/1, दैट मीन्स 16। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ रख देंगे 8, प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 16, दैन इम्प्लाइज दैट गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 8, 16 - 8 इज 8। ठीक है, देन आगे फिर वही प्रोसीजर करना है हमें। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ टू रूट्स 8 मिल गया हमें, गामा प्लस डेल्टा इट इज़ ऑल्सो सम ऑफ टू रूट्स, देन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं टेकिंग टू रूट्स अल्फा बीटा एंड अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेकिंग रूट्स गामा डेल्टा। देन वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ रूट, अज्यूम करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पी ले लेते हैं एंड गामा इंटू डेल्टा क्यू ले लेते हैं। ओके, देन वी फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेकिंग रूट्स अल्फा बीटा, x² - α + β (x) + α × β यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, x² - सम ऑफ रूट + प्रोडक्ट ऑफ रूट। एज इट इज़ हम इसके लिए बनाएंगे जिसके रूट होंगे गामा एंड डेल्टा, x² - γ + δ (x) - γ × δ = 0। वैल्यूज रखते हैं, x² - α + β इज 8x + α × β हमने लिया है p, एंड x² - γ + δ की वैल्यू 8 हमने फाइंड आउट की है, एंड ये प्लस आएगा प्लस गामा इंटू डेल्टा क्यू लेके चले इक्वल टू 0। क्योंकि हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की है रूट्स ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये जो रूट लिए हमने लिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो अगर मैं इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मल्टीप्लाई करती हूँ देन इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वेशन, देन वी कैन राइट x² - 16x³ + 86x² - 176x + 105। दिस इक्वेशन इक्विवेलेंट इज x² - 8x + p एंड x² - 8x + q। ओके, अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर ले, दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये इसके इक्विवेलेंट आएगा। नाउ हमें यहाँ से p और q की वैल्यू चाहिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, x² एंड x³ जैसे भी हमें मिलते हैं एंड कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, तो सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, x² - 8x³ + px² - 8x³ + 64x² - 8px, एंड क्यू से करते हैं q x² - 8qx + pq। ओके, नाउ वी कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स क्यूब के पास तो पी क्यू है ही नहीं, तो हम एक्स स्क्वायर से कोफिशेंट कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, देन एक्स एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कंपेयरिंग कोफिशेंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स, एक्स की लाइक पावर मीन्स एक्स एक्स का कोफिशेंट एक्स स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट टर्म, या एक्स की पावर जीरो में आ जाएगा, देन वी गेट, अगर हम कोफिशेंट कंपेयर करते हैं देन यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट देखिए 64, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। और अगर हम एक्स का चेक करते हैं माइनस 8p एंड माइनस 8q, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ से। तो हम एक्स का कोफिशेंट ले लेते हैं, इधर से एक्स का कोफिशेंट है कोफिशेंट ले रहे हैं, एक्स नहीं लेंगे, दिस इज इक्वल टू, इधर से हम एक्स के मल्टीपल लेके चलेंगे, दिस इज माइनस 8p एंड माइनस 8q, ठीक है। माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, पी प्लस क्यू एंड माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से डिवाइड कर दीजिए, देन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 8, ठीक है, दिस इज 22, ओके। एंड कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर करते हो, इधर से पी क्यू एंड इधर से 105, एंड पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 105, बिकॉज दिस इज ओनली कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड एंड 105 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड। मल्टीप्लाई आ गया, पी और क्यू की मल्टीप्लाई इज एंड पी प्लस क्यू, वी कैन फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्होज रूट्स आर पी एंड क्यू, जिसके रूट्स पी एंड क्यू होंगे, बिकॉज हमें यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, देन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके टी की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, एक वैल्यू पी एंड एक क्यू की आ जाएगी, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आता है 22t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो, मीन्स हमने किया यहाँ से टी स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू सम ऑफ रूट इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से आपको टी की वैल्यू सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बन रहे तो फैक्टराइजेशन कीजिए, देन इसके जो फैक्टर बनेंगे माइनस 7t एंड माइनस 15, 7 और 5 12, ठीक है जी, माइनस 7 माइनस 15 टी प्लस 105 इक्वल टू जीरो, टी इंटू टी माइनस 7 एंड माइनस 15 इंटू टी माइनस 7, देन टी माइनस 7 टी माइनस 15 इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट टी इक्वल टू 7 एंड 15, देयरफॉर पी इज इक्वल टू 7, बिकॉज पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन वन वैल्यू ऑफ पी एंड अदर वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इज इक्वल टू 15, पी एंड क्यू की वैल्यू हमें मिल गई। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट मीन्स हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, हम यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की थी इसी के रूट से यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यूज पुट करेंगे एंड इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दो मिल जाते हैं, यहाँ से सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट। अब यहाँ पर देखिए जो हमने इक्वेशन ले रखी थी, जो ये इक्वेशन हमारी है ये किसके इक्विवेलेंट है, फैक्टराइजेशन इस दिस, यानी हमने लिखा था इस क्वाड्रेटिक और मल्टीप्लाई दिस क्वाड्रेटिक, ये हमने सेकंड इक्वेशन ले लिया, तो यहाँ से हम पी और क्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देन इक्वेशन सेकंड बिकम्स इक्वेशन सेकंड मीन्स ये इक्वल टू जीरो है, देन दिस फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी, पी की वैल्यू रख दीजिए आप 7, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस क्यू, क्यू इज 15 इक्वल टू जीरो, आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो और दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो, और हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, चार रूट आ जाएंगे हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर फैक्टराइजेशन माइनस मल्टीप्लाई 7 आनी चाहिए, एडिशन
8 आने चाहिए. x माइनस 7 माइनस 1 x माइनस 7 देन x की वैल्यू 1 एंड 7 टू रूट ऑफ दिस इक्वेशन. एंड यहाँ से सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई इज 15 एंड एडिशन इज माइनस 8 देन 3x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0. x x माइनस 3 माइनस 5 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0. x माइनस 3 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 5 टू रूट्स ऑफ दिस देन टू रूट यहाँ से निकाल लिए टू रूट यहाँ से तो टोटल रूट क्या हो गया हमारे पास x इक्वल टू 1 3 5 7 दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. क्वेश्चन 15th इज सॉल्व एक्स इक्वेशन दे रखी है 4 डिग्री की. गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स. दिस क्वेश्चन इज सेम एज द क्वेश्चन जो जीपी में गिवन होते हैं हमारे पास रूट्स एज इट इज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन x raised to power 4 minus 5x cube plus 10x square minus 10x plus 4 equal to 0. इसके रूट्स हमने ले लिए अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. अब हमें जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स. दैट मीन्स अल्फा बीटा इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा. ये कंडीशन आपको गिवन है. ठीक है. अब यहाँ से देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हमें मिल जाएगी और सम ऑफ रूट हम यहाँ से लेके चलेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ रूट अज्यूम किया था. ओके देन इस क्वेश्चन से आप फाइंड आउट कीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा. चार रूट्स की प्रोडक्ट ले रहे हैं माइनस 1 रेज टू पावर 4 कॉफिशियंट इज अ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई द कॉफिशियंट ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स 4. दिस इज 4. ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4. दैट मीन्स अब यहाँ पे देखिए इसकी दो की प्रोडक्ट दो के इक्वल गिवन है. हम ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. देयरफॉर अल्फा बीटा इनटू अल्फा बीटा इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट अल्फा इनटू बीटा स्क्वायर इम्प्लाइज दैट अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2. देन प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है हमारे पास. टेकिंग अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2. पॉजिटिव 2 हम चूज कर लेते हैं. देयरफॉर अल्फा बीटा अगर हम 2 लेते हैं एंड अल्फा बीटा इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा ये कंडीशन हमें गिवन है इम्प्लाइज दैट 2. तो इनकी वैल्यू भी 2 एंड अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास 2 आ जाएंगे. लेट सम ऑफ रूट हम ले लेते प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया वो रूट्स ये जो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा हम लेके चलेंगे देन हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसके रूट अल्फा और बीटा होंगे. ठीक है. लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी एंड गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्यू. नाउ वी फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुज रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा. अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करेंगे. इम्प्लाइज दैट x square minus alpha plus beta means px plus product of root 2 equal to 0 and x square plus minus product of root sorry sum of root plus product of root equal to 0. ठीक है. These are two equations are the factor of equation first जिसके जो कि 4 डिग्री इक्वेशन है इसी के रूट से हमने इक्वेशन ये बनाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन वी कैन राइट इक्वेशन फर्स्ट इक्विवेलेंट इज माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 इज इक्विवेलेंट x स्क्वायर माइनस px प्लस 2 x स्क्वायर माइनस qx प्लस 2. ठीक है. यहाँ से हम मल्टीप्लाई ओपन करेंगे. इधर लिख देती हूँ x रेज टू पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब ओके प्लस 2x स्क्वायर माइनस q
क्यू एक्स क्यूब, माइनस एंड माइनस इज अ प्लस, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एंड माइनस टू क्यू एक्स, और टू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस फोर। ठीक है, कॉफिशियंट्स इकट्ठा कर लीजिए, एक्स रेज टू पावर फोर क्यूब एंड क्यूब माइनस पी प्लस क्यू इंटू माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाले कॉफिशियंट देखिए, स्क्वायर इज अ टू, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर इज अ फोर एक्स स्क्वायर एंड दिस प्लस फोर प्लस पी इंटू क्यू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टर्म, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म, तो फोर टू एंड टू फोर हो जाएगा एंड एक्स की टर्म टू पी एक्स एंड टू क्यू एक्स, यहाँ से माइनस टू कॉमन पी प्लस क्यू इंटू एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस फोर। ठीक है, ये हमारे पास इसके जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं, कंपेयरिंग द कॉफिशियंट, कंपेयरिंग कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स वी गेट, अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब का कॉफिशियंट कंपेयर करते हैं देन लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आगे बना, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब का कॉफिशियंट इज अ माइनस फाइव, माइनस फाइव इक्वल किसके आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब का कॉफिशियंट होगा माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, ये एक्स क्यूब का कॉफिशियंट है माइनस पी प्लस क्यू, दिस इज द इक्वेशन, सेकेंड ले लेते हैं एंड एक्स का कॉफिशियंट कंपेयर करेंगे, एक्स का कॉफिशियंट यहाँ पे एक्स क्यूब है फाइव एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट टेन हो जाएगा, देन टेन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर फोर प्लस पी क्यू, इक्वेशन नंबर थ्री, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज पी क्यू इज इक्वल टू सिक्स, इक्वेशन थर्ड एंड एक्स का कॉफिशियंट देखेंगे देन एक्स का कॉफिशियंट इधर आ जाएगा माइनस टेन एंड राइट हैंड साइड पे माइनस टू इंटू पी प्लस क्यू। ओके, देन टू को सॉल्व कीजिए, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू फाइव, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इसको सॉल्व करते हैं देन माइनस से माइनस कैंसिल, टू से टेन कैंसिल आउट करेंगे फाइव, फाइव इक्वल टू पी प्लस क्यू इज इक्वेशन थर्ड। हेयर वी कैन सी दैट इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सॉरी फोर्थ है ये, इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ आर इक्वल, मीन्स इक्वेशन सेकेंड से भी हमें यहाँ से मिल रहा है पी प्लस क्यू इक्वल टू फाइव एंड इक्वेशन फोर्थ से भी हमें पी प्लस क्यू इक्वल टू फाइव मिल रहा है, इसलिए जो हमारी चॉइस थी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पॉजिटिव टू लेने की वो हमारी राइट है। यहाँ पे हमने क्या लिया था, अल्फा इंटू बीटा को प्लस टू चूज़ किया था, ओके माइनस टू वैल्यू हमने रिजेक्ट कर दी थी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आप लेके चलोगे, अगर ये दोनों इक्वेशन दिस एंड दिस इक्वेशन इक्वल आती है देन आपकी चॉइस राइट है, अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं आती है देन आपकी चॉइस यहाँ से रॉन्ग हो जाएगी, मीन्स हमें यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस टू। ओके, देन पी प्लस क्यू की वैल्यू हमें मिल गई है, देन आवर चॉइस पी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी पी क्यू नहीं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू टू इज राइट। ओके, देयरफॉर वी कैन फॉर्म एन इक्वेशन व्हिच रूट्स आर पी एंड क्यू प्लस सम ऑफ माइनस सम ऑफ रूट लेंगे, सम ऑफ रूट कितना है फाइव, माइनस फाइव टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी पी क्यू की वैल्यू सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसको सॉल्व करते हैं टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से थ्री एंड टू टी प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, टी माइनस थ्री एंड टी माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, टी की वैल्यू आ गई हमारे पास टू एंड थ्री, टेकिंग पी इक्वल टू टू एंड क्यू इक्वल टू थ्री। ठीक है, देन ये जो इक्वेशन हमने यहाँ से निकाली थी दिस इक्वेशन स्टार ले लेते हैं इसको, देन फ्रॉम इक्वेशन स्टार दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पी की वैल्यू रखेंगे
फ्रॉम स्टार इक्वेशन से एक्स स्क्वायर माइनस पी की वैल्यू 2x हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्यूब की वैल्यू इज अ 3 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0 यहाँ से हम सॉल्व करके चार रूट्स फाइंड आउट करेंगे ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के ठीक है तो इसको सॉल्व कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू फैक्टर तो बनेंगे नहीं आपको माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 8 डिवाइड बाय 2 ठीक है इसको सॉल्व कर लेना एंड अदर देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 यहाँ से जो है आपके पास आएगा माइनस 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1 एंड 2 इसको जो सॉल्व करोगे x कॉमन निकाल के फिर आप माइनस 1 कॉमन लेंगे देन x इक्वल टू 1 2 आ जाएगा एंड इसको सॉल्व करेंगे देन 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4 रहेगा दैट मीन्स दिस इज माइनस 4 ये आ जाएगा 2 आइटा ओके 2 आइटा डिवाइड बाय 2 एंड 2 कॉमन आउट कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे 1 प्लस माइनस आइटा देन दीज आर द 4 रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट थिंथ इज सॉल्व द इक्वेशन 4 डिग्री इक्वेशन दे रखी है एंड गिवन द रेशियो ऑफ द टू रूट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द अदर टू क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रखे हैं स्टेटमेंट प्रोसीजर सबका सेम है ठीक है यहाँ पे अगर हम अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा 4 रूट्स लेते हैं बी 4 रूट्स ऑफ इक्वेशन देन हमें जो गिवन कंडीशन है अल्फा बाय बीटा रेशियो ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टू रूट्स ये हमें गिवन है इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू डेल्टा इक्वल टू बीटा इंटू गामा बात वही आ जाती है जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ पे अल्फा इंटू बीटा एंड डेल्टा गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गई थी ये कंडीशन आपको है गिवन अब यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हमें वैल्यू चाहिए इनकी देन हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 9 बाय 9 इज अ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय 1 देन 9 आ जाएगा ठीक है अब यहाँ से देखिए अल्फा इंटू डेल्टा इसको हम ले सकते हैं अल्फा इंटू डेल्टा एंड बीटा इंटू गामा क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट में गिवन है इक्वल टू 9 वैल्यू रखेंगे यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए अल्फा इंटू डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ये स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हम बीटा गामा की वैल्यू रखेंगे अल्फा इंटू डेल्टा देन इज अ स्क्वायर क्वांटिटी इक्वल टू 9 इम्प्लाइज दैट अल्फा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 चूज अल्फा इंटू डेल्टा इज 3 मल्टीप्लाई इसकी जो हम पॉजिटिव ले लेते हैं अब ये पॉजिटिव सही है या गलत है ये जाके हमारे जो कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं वहाँ पता चलेगा ठीक है ये हमने ले लिया है देन इक्वेशन फर्स्ट पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे लेट कर लेते हैं अल्फा अब देखिए यहाँ पे हम लेते थे प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन होता था अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा हम अज्यूम करते थे बट यहाँ पे देखिए किस किस का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है अल्फा इंटू डेल्टा का देन हम यहाँ पे जो लेके चलेंगे अल्फा प्लस डेल्टा लेके चलेंगे पी सम ऑफ रूट्स बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा और डेल्टा तो सम भी उन्हीं रूट्स का लेंगे हम ठीक है एंड बीटा इंटू गामा इज क्यू लेके चलेंगे देन वी कैन फॉर्म टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेकिंग रूट्स अल्फा एंड डेल्टा एंड बीटा एंड गामा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इज अ पी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने क्या लिया यहाँ से 3 लिया यहाँ पे ओके एंड क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों की वैल्यू 3 आ जाएगी दिस इज अल्फा सम ऑफ रूट दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे सम ऑफ रूट देखिए जब हम इसका लेते हैं बीटा और गामा लेते हैं इक्वेशन के रूट्स देन हमें यहाँ से सम ऑफ रूट मिल जाएगा एंड यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा
इक्वल टू 3। प्रोसीजर वही एज इट इज, सेम टू सेम है। अब यहाँ से देखेंगे तो इस इक्वेशन फर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये इक्वेशन, ओके। फिर यहाँ से वही इसकी जो कोफिशियंट कंपेयर करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशियंट कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास तो थोड़ा सॉल्व करवा देते हैं, वैसे तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस क्यू एक्स क्यूब एंड प्लस पी क्यू एक्स माइनस 3क्यू एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे इसके, देन 3x स्क्वायर माइनस 3px एंड प्लस 9। ठीक है, यहाँ से कोफिशियंट कंपेयर करते हैं, कंपेयर कोफिशियंट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन मीन्स हमारी ये इक्वेशन है, ठीक है। एक्स क्यूब का कोफिशियंट इकट्ठा कीजिए, एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब, देन राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, माइनस पी प्लस क्यू, दोनों का माइनस कॉमन ले लेते हैं। एंड एक्स क्यूब का कोफिशियंट कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब नहीं लेना होता, ओनली कोफिशियंट हमने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट का मीनिंग हम ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं, ओके। यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशियंट है माइनस 6, देन माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, देन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट देखिए, एक्स स्क्वायर इज 11, यहाँ पे है 11 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चेक करिए एक्स स्क्वायर एंड दिस 3 एंड 3 इज 6 प्लस पी क्यू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, इम्प्लाइज दैट पी क्यू की वैल्यू आ गई, यहाँ से 6 माइनस कर देंगे 5, इक्वेशन नंबर 3। अब चेक करते हैं एक्स का कोफिशियंट, यहाँ से एक्स का कोफिशियंट है माइनस 18, दिस इज इक्वल टू एक्स ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, 3 माइनस 3 कॉमन लेंगे पी प्लस क्यू, ये एक्स का कोफिशियंट हो जाएगा, ओके। 3 से माइनस कैंसिल, 3 से 18 कैंसिल, दैट मीन्स पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 4। अब देख कोफिशियंट कंपेयर करने के बाद हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई हैं। अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन पी प्लस क्यू इक्वल टू 6 एंड फोर्थ इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस आर सेम, इंप्लाइज दैट आवर जो चूजिंग थी अल्फा इंटू डेल्टा इक्वल टू 3, यानी कि हमने माइनस साइन रिजेक्ट किया था, वो हमारी सही है, ओके। तो सेकंड और फोर्थ इक्वेशन अगर राइट इक्वल आते हैं, देन आवर जो सपोजिशन है यानी कि जो हमने चूज किया था वो हमारी राइट होगी, ठीक है। अब आप आगे वैसे के वैसे प्रोसीजर कर सकते हैं इसको, आपको यहाँ से फॉर्म करना है पी और क्यू का रूट्स लेके इक्वेशन फॉर्म करनी है, वहाँ से पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन हम इन फैक्टर्स में रखेंगे पी और क्यू की वैल्यू और इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे, चार रूट्स मिल जाएंगे हमें, ठीक है। क्वेश्चन 18 देखिए, 17th क्वेश्चन जो वो एज इट इज़, हम पीछे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन 18 देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन क्वाड्रेटिक 4 डिग्री की इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है और कंडीशन दे रखी है गिवन दैट वन ऑफ द टू रूट्स इज प्योरली इमेजिनरी, यानी कि जो हम चार रूट्स अज्यूम करके चलते हैं उनमें से एक रूट प्योरली इमेजिनरी है। देखिए लेट आयोटा अल्फा प्योरली इमेजिनरी मीन्स आयोटा अल्फा प्योर, मतलब कि इसमें रियल पार्ट नहीं होगा, समझ गए। वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे लेते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इस फॉर्म में लेते हैं, ये हमारा रियल पार्ट होता है एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, बट यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी बोला है देन रियल पार्ट नहीं होगा। और हमें ये भी पता है कि रूट्स में अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट क्या होता है, इट्स कंजुगेट पेयर में ये अप्लाई करते हैं, देन इसका कंजुगेट जो हो इसका दूसरा रूट आता है। एक रूट आयोटा अल्फा लिया हमने, सेकंड आ जाएगा माइनस आयोटा अल्फा बिकॉज इमेजिनरी रूट्स अकर इन द कंजुगेट पेयर, ठीक है। दो रूट हो गए, थर्ड हम ले लेते हैं गामा, फोर्थ ले लेते हैं डेल्टा, इसके चार रूट होंगे, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ यहाँ से देखिए, अगर मैं फर्स्ट टू रूट्स की एडिशन करती हूँ
देन आयोटा अल्फा प्लस ऑफ माइनस आयोटा अल्फा, क्योंकि एक रूट आयोटा अल्फा है, दूसरा माइनस आयोटा अल्फा है. अगर मैं इनकी एडिशन करती हूँ तो आंसर क्या आया, आयोटा अल्फा माइनस आयोटा अल्फा इक्वल टू ज़ीरो. देयरफॉर सम ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं. सम ऑफ रूट्स दिस इक्वल टू आयोटा अल्फा माइनस आयोटा अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू, इक्वेशन से देखिए यहाँ से, माइनस वन माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स फोर, माइनस वन आ गया. अब इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट ज़ीरो प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस वन एंड गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस वन, इनकी वैल्यू आ गई माइनस वन. ठीक है, नाउ प्रोसीजर वही रहेगा. अब यहाँ पे देखिए आयोटा अल्फा प्लस माइनस आयोटा अल्फा मीन्स सम ऑफ टू रूट्स, पहला रूट एंड दूसरा रूट, सम ऑफ टू रूट हमारे पास क्या आया, ज़ीरो. एंड यहाँ से क्या आया, सम ऑफ अदर टू रूट्स माइनस वन. क्या लेके चलेंगे यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ रूट मान के चलेंगे, मीन्स आयोटा अल्फा इंटू माइनस आयोटा अल्फा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू पी, एंड गामा इंटू डेल्टा लेंगे क्यू. देन वी फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इज अ ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू रूट इज अ पी इक्वल टू ज़ीरो, एंड एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट करेंगे, माइनस ऑलरेडी है प्लस एक्स हो जाएगा प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो. देन इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे पास, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते, एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स क्यू सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व, दिस इज इक्विवलेंट मल्टीप्लाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी, बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट जीरो है तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यू. अब हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, एक्स फोर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स इंटू पी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू क्यू. एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब एंड स्क्वायर के कोफिशेंट हो जाएंगे पी प्लस क्यू, इकट्ठा कर लेते हैं, देन एक्स इंटू पी अकेली टर्म है एक्स की एंड प्लस पी क्यू. ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करते हैं कोफिशेंट. कोफिशेंट देखिए यहाँ से, एक्स दो टर्म तो सेम ही है, हम एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट चेक करते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर इज सेवन इक्वल टू पी प्लस क्यू, कंपेयर द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड अगर मैं कंपेयर करती हूँ एक्स का कोफिशेंट, देन फोर इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा पी, एक्स का कोफिशेंट यहाँ से पी एंड यहाँ से फोर, एंड पी इंटू क्यू इज ट्वेल्व. हमें यहाँ से पी क्यू की वैल्यू चाहिए, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, पी की वैल्यू तो हमें मिल ही गई, एंड क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, क्यू की मिल जाएगी. यहाँ से कोफिशेंट कंपेयर करने हैं, यहाँ मैंने लैंग्वेज लिखी नहीं है, देन सेवन पी की वैल्यू रखेंगे फोर प्लस क्यू, इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू फोर माइनस सेवन माइनस फोर इज थ्री, देन पी की वैल्यू आ गई फोर क्यू की थ्री, देन इक्वेशन जो आपके पास ये गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी राइट, कैसे लिख सकते हैं हम, दोनों की मल्टीप्लाई मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू रखिए, पी इज अ फोर एंड यहाँ पे रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इज थ्री इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड रूट्स यहाँ से हमें मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर माइनस फोर सॉरी एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू आयटा, अंडर रूट लेंगे तो माइनस का अंडर रूट आयटा हो जाएगा. एंड इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर फैक्टर बनेंगे, नहीं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ इलेवन आयोटा डिवाइड बाय टू, देन टू रूट्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे एंड टू रूट्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे. जो इक्वेशन जो अपने पास क्वेश्चन है, नाइनटीन्थ क्वेश्चन,
ये भी आपके पास बिल्कुल एज इट इज़ है, वही प्योरली इमेजिनरी लेना है तो आपको आयटा अल्फा एंड दूसरा रूट इसका कंजुगेट माइनस आयटा अल्फा एज इट इज़ आपको करना है 19th क्वेश्चन। देन 20 क्वेश्चन करते हैं। यस इज द लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू जीरो। क्यों भी इक्वेशन दे रखी है और बोल रखा है कि डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द रूट्स बीइंग 7, दो रूट्स का डिफरेंस 7 हमें दे रखा है। देन रूट्स कैसे लेके चलेंगे, अल्फा अल्फा प्लस 7, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स इज 7 दे रखा है, तो एक अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा प्लस 7 होगा एंड तीसरा ले लेते हैं हम बीटा, बी रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। देन सम ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा, फर्स्ट रूट सेकेंड रूट एंड थर्ड रूट, दिस इक्वल टू माइनस 1/1 मीन्स माइनस 1। ओके सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम मीन्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस 7 प्लस अल्फा प्लस 7 इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, दो दो रूट्स जो एक बार में लेके हम निकालते हैं, माइनस 1 रेज टू पावर 2 कोफिशियंट ऑफ x इज अ माइनस 16 डिवाइड बाय x क्यूब का कोफिशियंट, दिस इज द माइनस 16। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा इक्वेशन अल्फा और अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 को इधर ले जाइए माइनस 8, माइनस 1 ऑलरेडी इधर है और 7 को राइट साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट कर सकते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा एंड बीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ये बच जाएगा अल्फा प्लस 7 प्लस अल्फा माइनस 16, अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए बीटा की वैल्यू, इम्प्लाइज दैट बीटा इक्वल टू माइनस 8 माइनस 12, ठीक है बीटा रखेंगे माइनस 8 माइनस 2 अल्फा एंड अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा प्लस 7, 2 अल्फा प्लस 7 माइनस 16, ठीक है। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी, सॉल्व कर लेना इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म हो रही है वो देखिए, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 23 अल्फा, 3 अल्फा स्क्वायर 23 अल्फा प्लस 40 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसके जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ऐड करेंगे देन ये क्वेश्चन फॉर्म होगी और इसके आप फैक्टराइजेशन करके एंड अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन जो फैक्टर बन रहे हैं दिस इज द अल्फा प्लस 5 एंड अल्फा 3 अल्फा प्लस 8, ये आपके पास फैक्टर बनेंगे इसके। ओके यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 एंड एक आ जाएगी माइनस 8/3। अब हम चेक करेंगे अल्फा की वैल्यू कौन सी दोनों में से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मीन्स एक्स के प्लेस पे पुट करके देखेंगे माइनस 5 हर जगह, अगर सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन आंसर आ जाता है 0 देन वही इसका रूट होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू अल्फा इक्वल टू माइनस 8/3 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। पुट कैसे देख करके देखना है, यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, माइनस 8/3 क्यूब प्लस 8/3 स्क्वायर माइनस 16 इंटू माइनस 8/3 एंड प्लस 20, इसको आपको सॉल्व करना है और अगर इसका आंसर 0 नहीं आता, नॉट इक्वल टू 0 आता है देन माइनस 8/3 दिस रूट डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट, देयर फॉर आवर रूट इज अल्फा इक्वल टू माइनस 5। ये अगर आप पुट करके देखेंगे माइनस 5 क्यूब प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 16 इंटू माइनस 5 प्लस 20, इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 5 इज अ वन रूट इक्वल टू माइनस 5 इज वन रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, अदर रूट इज अल्फा प्लस 7 मीन्स माइनस 5 प्लस 7 इज 2, दूसरा रूट हमारे पास 2 आ गया एंड बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, बीटा क्या था यहाँ पे माइनस 8 माइनस 2 अल्फा,
मीन्स माइनस एट माइनस टू इंटू अल्फा की वैल्यू इज माइनस फाइव। ठीक है, ये फर्स्ट रूट, ये सेकेंड रूट, दिस इज द फर्स्ट रूट, ये हो गया हमारे पास सेकेंड रूट, एंड माइनस एट प्लस टेन इज अ टू, दिस इज द थर्ड रूट। ओके, देन तीन रूट मिल गए, माइनस फाइव, टू एंड टू। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन यहाँ पे जो आपके पास एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट, इसके बाद हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का, कल लेक्चर हुआ कैलकुलस का, तो इसके बाद अलजेब्रा के लेक्चर में हम 7.4 एक्सरसाइज करेंगे। तब उसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।